हेडलाइंस के प्रायोजक है नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौट आया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नजदीक बक्सर, नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड बाबा नगर की गली। 24 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के लिए नवा नगर और 61 में मतदान, चुनाव से पूर्व जन प्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों के साथ प्रशासन ने की बैठक। युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई का वीडियो वायरल, मामले में पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार, पूर्व मुखिया की तलाश जारी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर डुमराव में चला विशेष वाहन चेकिंग अभियान, यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों से वसूला गया जुर्माना। राजपुर में चॉकलेट का लालच देकर मासूम से दुष्कर्म, आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। और शहर में हुआ भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन, निकाली गई झांकियां, एसडीओ ने भगवान श्री राम के उत्तम आदर्शों से सीख लेने का दिया संदेश। क्या आपको भी है घरेलू सामान की दरकार? कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर जिला भोजपुर, बक्सर के नवा नगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने हमारी कैंटीन में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से के प्रायोजक है आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक, कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया, जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा, गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने डुमराव बक्सर। डुमराव अनुमंडल के नवा नगर प्रखंड में 24 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, लिहाजा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में डुमराव के सहायक एसपी राज ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराए जाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करें और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिलती है तो इसकी सूचना प्रशासन को तत्काल दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। मामले की जानकारी देते हुए डुमराव के एसडीपीओ ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर चुनावी रणनीति को लेकर उनके समक्ष स्थितियों का स्पष्ट किया गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और सही तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान कोई भी गड़बड़ी करता है या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव नवानगर प्रखंड जो 24 तारीख को होनी है उसके पहले हम लोगों ने जनप्रतिनिधि के साथ मीटिंग किया है, उसमें उनको जो भी आचार संहिता के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप ही चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है और उन्हें अगर किसी तरह के भी सूचना मिलती है कि कहीं भी उल्लंघन होता है तो हमें और थाना सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, उनको माध्यम से सूचित करेंगे, उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगी। दिशा निर्देश जैसे उसमें कितने लोग आ सकते हैं, परमिशन मिलने पे ही लाउडस्पीकर का प्रयोग करेंगे और जितने वाहन का उन्हें परमिशन मिला है उनको अकॉर्डिंग ही वो चुनाव प्रसार करेंगे। फील्ड में गश्ती दल थाने के स्तर से सीओ सर, बीडीओ सर, हम लोग सब अपने अपने स्तर से हम लोग घूम रहे हैं और जहां भी अगर ऐसी सूचना मिलती है वेरीफाई करने पर हमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। धनसोई थाना क्षेत्र के गांव में बाइक चोरी के आरोप में युवक को निर्वस्त्र कर पीटे जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस एक्शन में दिख रही है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर चौकीदार के बयान पर मटकीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया समेत अन्य लोगों पर FIR दर्ज कराया गया है। मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राधेश्याम यादव और पूर्व मुखिया के भतीजा राज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजकुमार सिंह ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि मामले के मुख्य आरोपी मटकीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया अभी भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि युवक का पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, लिहाजा बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि मामले में जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने इस मामले की जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपा था जिसके बाद मामले की जांच कर चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि अभी देखने वाली बात यह होगी कि मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राज के आदेश पर डुमराव में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर 8 से 10 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहनों के साथ कई संदिग्ध वाहनों की भी जांच की गई। थानाध्यक्ष बिंदेश्वरी राम ने बताया कि यहां पर वाहन चेकिंग अभियान के साथ साथ कोविड-19 के तहत मास्क एवं वाहनों की जाँच की गई, जिसमें अलग अलग यातायात नियमों के तहत जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूला गया। वाहन जाँच के दौरान दोपहिया वाहनों का टैक्स, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य कागजातों की भी जाँच की गई। बताते चले कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी थाना क्षेत्र में लगातार एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और आवागमन कर रहे वाहनों के डिक्की आदि के अलावे कागजातों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। बक्सर, डुमराव और आसपास के इलाकों में एक बार फिर बाइक चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। चोरों की सक्रियता का आलम यह है कि केवल डुमराव में 3 दिनों के अंदर ही बाइक चोरों ने 2 लोगों की बाइक चोरी कर ली है। लगातार बाइक चोरी की घटनाओं में हो रहे इजाफे को देखते हुए आम लोग तो चिंतित हैं ही, साथ ही साथ पुलिस अब तक इस गिरोह का सुराग तक नहीं ढूंढ सकी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि भीड़ भाड़ का इलाके के अलावे डुमराव रेलवे स्टेशन के आसपास अपराधी मंडराते रहते हैं और मौका देखकर बाइक उड़ा लेते हैं। हालांकि इस सिलसिले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि डुमराव थाना क्षेत्र के एकौनी गांव निवासी एक युवक का रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर के पास से अपराधियों ने बाइक चोरी कर ली थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी रेलवे गुमटी के समीप 2 दिन पहले सिमरी निवासी हरिनंदन शर्मा अपनी बाइक लगाकर कुछ सामान खरीदने गए थे। जब वापस लौट कर आए तो देखा कि उनकी बाइक गायब थी। दोनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद अब पुलिस चोरों की धरपकड़ में जुट चुकी है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ शराब का धंधा और तेजी से फल फूल रहा है, जिसका नतीजा है कि पुलिस की लाख दबिश के कारण भी शराब तस्करों का मनोबल गिरने के बजाय 7वें आसमान पर है। तू डाल डाल तो मैं पात पात के तर्ज पर शराब तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपने धंधे की गाड़ी को खूब दौड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में कृष्णा ब्रह्म थाना की पुलिस ने शराब बिक्री के लिए मशहूर नोनियापुरा गांव में छापेमारी कर 15 लीटर महुआ देसी शराब बरामद किया है। इस छापेमारी के दौरान धंधे में शामिल माँ और बेटा पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस ने माँ और बेटे के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नोनियापुरा गांव में महुआ शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस ने एक टीम बनाकर मौके की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान प्लास्टिक के जार में रखा 15 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। 24 अक्टूबर को डुमराव अनुमंडल के नामानगर में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग वोट सेटिंग के खेल से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में नामानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में वोट सेटिंग को लेकर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। इस संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में दोनों पक्ष में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक पक्ष के तरफ से कुल 7 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, तो वहीं दूसरे पक्ष के तरफ से 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पहले पक्ष द्वारा प्राथमिकी में दी गई जानकारी के मुताबिक सभी नामजद लोग एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बना रहे थे और मना करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी उसी गांव का रहने वाला है, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम तकरीबन उसी गांव के रहने वाले 21 वर्षीय दुकानदार ने चॉकलेट का लालच देकर मासूम को अपने दुकान में बुलाया और फिर दरवाजा बंद कर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। घटना में जब बच्ची घर जाकर परिजनों को पूरी जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए। हालांकि रात होने के कारण उन्होंने अगले दिन घटना की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई। थानाध्यक्ष के मुताबिक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने सगे संबंधियों को ट्रेन पर चढ़ाने या उनका स्वागत करने वाले जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दानापुर मंडल के वाणिज्य पदाधिकारी के निर्देश पर बक्सर समेत दानापुर रेल मंडल के अन्य रेलवे स्टेशन पर 13 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म टिकट अब केवल 10 रुपये में मिल रहा है। बुकिंग सुपरवाइजर AH खान के मुताबिक पूर्व से ही दिलदार नगर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये में मिलता था, लेकिन अब बक्सर में भी टिकट का दाम 50 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दिया गया है। ऐसा होने से अब लोगों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में इजाफा किया गया था, जिसको लेकर लोग दिक्कत महसूस कर रहे थे। लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट का कीमत फिर से 10 रुपए किए जाने पर रेलवे के इस फैसले का स्वागत किया है।
दशहरा और विजयदशमी के समापन के बाद शहर के यमुना चौक पर भारत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो इस बार भी बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर कई प्रकार की झांकियां भी निकाली गई, जिसने लोगों का मन मोह लिया। इस उत्सव में शहर के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया। इस मौके पर बक्सर के SDO, SDPO, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान बक्सर SDO ने कहा कि कोरोना काल के दौरान यह पहला मौका था जब इस तरह के उत्सव का आयोजन किया गया, जो लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। SDO ने तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए खासतौर पर रामलीला से जुड़े सदस्यों को विशेष बधाई दी, जिन्होंने इस तरह के आयोजन को सफल बनाने के लिए काफी तैयारी की थी। SDO ने कहा कि यह लोगों के सहयोग और समर्थन का ही नतीजा है कि कार्यक्रम का संचालन सफल तरीके से संपन्न हुआ। इसके लिए मैं शहर के तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस दौरान SDO ने रामलीला के पहलुओं पर भी प्रकाश डाला और भगवान श्री राम के उत्तम आदर्शों को अपनाकर जीवन को सफल बनाने का भी संदेश दिया। कोरोना काल के बाद पहली बार एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा उत्सव हम लोग देख रहे थे। उसमें विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हुई, इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है, इसका पूरा श्रेय हम लोगों के टीम के पदाधिकारियों को और समाज की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं, समाज के जो पहलुए हैं, जो प्रशासन के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, उन सभी को जाता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह का सहयोग आप सभी का मिलता रहा तो आने वाले समय में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, हम लोग बड़े शांति से और सफलतापूर्वक उसका निष्पादन कर सकेंगे। जब लोगों को ऐसा लगा कि समाज का एक तबका न तो रामायण पढ़ सकता है, न रामचरित मानस पढ़ सकता है, और तब कहीं ऐसा ना हो कि जो मर्यादित जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जीना सिखाया उससे हमारी अगली पीढ़ी वंचित हो जाए, तब गाँवों में जाए रामलीला का मंचन किया जाने लगा, ताकि लोग अगर पढ़ नहीं पाते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं या रामचरित मानस नहीं पढ़ पाते हैं, तो कम से कम रामलीला का मंचन देख के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को समझे और उसको अपने जीवन शैली बनाए। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार, देखिए खुला दरबार।